देखिए, ये हमें डिस्कस करना है टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम। टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करनी होती है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखिए, वर्टिकल एक्सिस पर तो टेम्परेचर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कॉम्पोजिशन है। यहाँ लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन एक्स कॉमा वाई, यानी हमारे पास दो सब्सटेंस हैं एक्स एंड वाई, उनकी कॉम्पोजिशन ये लिखी हुई है। ठीक, तो मैं आपको वो अमोनिया वाटर सिस्टम से ही बताता हूँ इसको, कि ये जो हमारे पास जो मिक्सचर है वो अमोनिया वाटर मिक्सचर है। तो यहाँ ये जो कॉन्सेंट्रेशन या कॉम्पोजिशन लिखी हुई है ये अमोनिया की है, तो इस पॉइंट पर यहाँ हमारे पास क्या है, जीरो अमोनिया है। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जीरो है, ठीक है, यानी कि प्योर वाटर है। और इस डायरेक्शन में राइट वर्ड्स, ये कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की इंक्रीज हो रही है, और जब आप वन इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन वन है, तो यानी कि प्योर अमोनिया यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, तो इस एंड पर प्योर वाटर है और इस एंड पर प्योर अमोनिया है। ठीक, अब इस डायग्राम को, ये कैसे फॉर्म हुआ डायग्राम, हम इसको समझते हैं कि सपोज हम एक कॉम्पोजिशन लेके चलते हैं, एक मिक्सचर हमारे पास है जिसकी कॉम्पोजिशन ये यहाँ एक्स लिखी हुई है। सपोज यहाँ एक कोई भी वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू सपोज 0.5 है यहाँ पर वैल्यू। तो एक मिक्सचर हमारे पास है, एक लिक्विड हमारे पास है जिसमें कि अमोनिया की, सपोज ये अमोनिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अमोनिया की कॉम्पोजिशन उसमें 0.5 है। अब जब आप इसको हीट करते हैं, जब हीट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं सबकूल्ड लिक्विड, ये सबकूल्ड लिक्विड है। ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, अब हम जब इसको हीट करते हैं तो आप इस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी पॉइंट एफ से आप पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बी एक पॉइंट ऐसा आता है, ये एक बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट पर क्या होता है, अगर इस बी पॉइंट पर टेम्परेचर आप देखें तो बी पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू कितना है, टीबी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं कि एफ से हमने स्टार्ट किया, बी पर हम पहुंचे, तो बी पॉइंट पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो टीबी है। और यहाँ लिखा है बबल टेम्परेचर। बबल टेम्परेचर क्या मतलब है कि जब आप इस लिक्विड को हीट करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर कि पहला बबल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बी वो पॉइंट है जिस पर पहला बबल फॉर्म होता है। ठीक, अब इस जो बबल फॉर्म हुआ है अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो क्या होगी, वो इसके बराबर नहीं होगी। जब एक बार फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें दो चीज़ें होंगी, लिक्विड भी होगी और वेपर भी होगा, तो लिक्विड की कॉम्पोजिशन अलग होगी और वेपर की कॉम्पोजिशन अलग होगी। तो इस बी पॉइंट पर जो पहला बबल फॉर्म हुआ है अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन चाहते हैं तो हमें जाना होगा, हमें इसको ऐसे ज्वाइन करना होगा इस कर्व के साथ, ये पॉइंट मिला हमें वी, और इस वी पॉइंट को जब हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें कॉम्पोजिशन मिल गई उस बबल की जो फॉर्म हुआ था, यानी वेपर की कॉम्पोजिशन ये है। ठीक है, और लिक्विड की कॉम्पोजिशन ये है। ठीक, अब हम इसको और हीट करते हैं, ये तो बी तो वो पॉइंट था जिस पर फर्स्ट बबल फॉर्म हुआ था। अब ऐसे ही हीट जब इसको करते जाएंगे तो बबल बाय बबल ये लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता जाएगा, तो एक पॉइंट आ जाएगा ए। ए पॉइंट ऐसा होगा जिस पर लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा। तो अगर हमें वेपर की कॉम्पोजिशन चाहिए तो हम इस पॉइंट को इस कर्व से यहाँ ज्वाइन करेंगे और फिर इसको ये यहाँ पर वर्टिकली ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो कॉम्पोजिशन मिलेगी ये वेपर की कॉम्पोजिशन होगी, और इसी को अगर हम इस कर्व से यहाँ ज्वाइन कर देंगे और इसको डायरेक्टली नीचे ले आएंगे तो ये हमें लिक्विड की कॉम्पोजिशन मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से हम लिक्विड की और वेपर की कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर हीट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली एक पॉइंट डी आ जाएगा। ये डी कौन सा पॉइंट होगा, जिस पर कि लास्ट लिक्विड पार्टिकल भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लिक्विड पार्टिकल जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी कॉम्पोजिशन अगर हमें देखनी होगी तो हम कैसे देखेंगे कि हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास उसकी कॉम्पोजिशन आ जाएगी लिक्विड की। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो जब ये कंप्लीटली, जब लास्ट बबल भी, ये कौन सी स्टेट हो गई, इसको देखिए आप, जब लास्ट लिक्विड भी वेपर में कन्वर्ट हो गया तो ये ड्राई सेचुरेटेड स्टेट हो गई। ठीक है, तो ड्राई सेचुरेटेड स्टेट हो गई, तो इस पर जो कॉम्पोजिशन होगी वो इनिशियल कॉम्पोजिशन के बराबर ही होगी, मतलब जब कंप्लीटली ये वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर इसको आगे हीट करते रहेंगे तो अब क्या होगा, आपको पता ही है कि
कि अब क्या होगा, ये सुपर हीटेड स्टेट हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर हीटेड वेपर। ठीक, तो इसकी कॉम्पोजिशन सीधे सीधे इनिशियल कॉम्पोजिशन इसके बराबर होगी, यहाँ पर वेपर की कॉम्पोजिशन इनिशियल कॉम्पोजिशन के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को जो हमने स्टीम जनरेशन का डायग्राम पढ़ा था उससे कंपेयर करें तो कुछ कुछ वैसा ही है ना, पूरी तरह से नहीं है, कुछ कुछ है कि इनिशियली हमारे पास लिक्विड था, लिक्विड को हमने हीट किया तो एक पॉइंट आया जिस पर कि फेज चेंज होना स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे फेज चेंज होती रही और अल्टीमेटली डी पॉइंट पर आकर ये कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको आपने हीट किया तो ये सुपर हीटेड बन गया। ठीक है, तो ये उसी तरह का कुछ डायग्राम है, लेकिन देखिए इस डायग्राम में और उस डायग्राम में कुछ डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि आप देखिए जब इसमें फेज चेंज होना स्टार्ट हुई, जिस समय फेज चेंज होना स्टार्ट हुई वो पॉइंट था बी, और उस पर टेम्परेचर की वैल्यू थी टीबी, और जब कम्प्लीटली इसकी फेज चेंज हो गई तो पॉइंट है डी और उस पर टेम्परेचर की वैल्यू है टीडी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें और उस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। जब स्टीम जनरेशन का डायग्राम मतलब प्योर सब्सटेंस का डायग्राम, तो प्योर सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं और फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, आप देखिए जिस समय जब हम लेटेंट हीट सप्लाई कर रहे होते हैं तो फेज चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी फेज भी चेंज हो रही है और यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ये आपको टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये बाइनरी मिक्सचर है। ठीक है, इसलिए इसका बिहेवियर उस प्योर सब्सटेंस के बिहेवियर से डिफरेंट है। ठीक, तो जब इनकी हम स्टडी करते हैं बाइनरी मिक्सचर की, तो उसमें कॉम्पोजिशन का भी रोल होता है, इस कॉम्पोजिशन का भी रोल है। ठीक है, तो यानी कि जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब हम प्योर सब्सटेंस की बाकी और प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी मिक्सचर अगर होता है तो उसमें हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस, ये कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये बाइनरी मिक्सचर है, इसमें कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है, प्योर सब्सटेंस में कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। तो इसमें हमें दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें तीन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। तो अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि तीन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज में कहाँ है, जब ये कॉम्पोजिशन इसकी ये है और यहाँ पर टेम्परेचर है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि एक एक्सिस पर कॉम्पोजिशन है और दूसरी एक्सिस पर टेम्परेचर है, तो हम इसकी हर पॉइंट पर वैल्यू लिखते तो जा रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें थर्ड प्रॉपर्टी को हमने कॉन्स्टेंट किया हुआ है, यहाँ पर पी कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा डायग्राम जो ड्रॉ किया हुआ है ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और आप देख लीजिए इसमें ये जो कर्व है, ये वाला जो नीचे वाला कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, जैसा प्योर सब्सटेंस में होता था, ठीक है, उसी टाइप का कर्व है ये, और ये जो ऊपर वाला कर्व है ये सैचुरेटेड वेपर कर्व है। ठीक है, तो ये वहाँ भी होता था। ठीक, तो मैंने इस बाइनरी मिक्सचर के इस डायग्राम को, टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम को आपको कंपेयर करके बताया है जो प्योर सब्सटेंस के फेज चेंज का डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए ड्रॉ किया गया है। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिफरेंट प्रेशर के लिए इस डायग्राम को ड्रॉ करें तो ये कैसा होगा, डिफरेंट प्रेशर के लिए करेंगे तो ये डायग्राम ऐसे ही आता जाएगा, अगर आप इसके लिए इससे लोअर प्रेशर पर करेंगे तो ये डायग्राम कहीं इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, और अगर आप इसके हायर प्रेशर के लिए करेंगे तो ये डायग्राम कहीं इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, तो ये ऐसी डिफरेंट यही शेप्स आती जाएंगी, 1, 2, 3, ये अलग अलग प्रेशर के लिए होंगी, ये P1 प्रेशर, ये P2 प्रेशर और ये P3 प्रेशर के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा वो डायग्राम हो गया जिसमें कि टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम है। अच्छा, इसको यहाँ भी देख सकते हैं एक बार, आप देखिए अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर एक T1 सेचुरेशन टेम्परेचर आ गया जिस पर इसकी फेस चेंज होगी। ठीक है, तो ये एक ही टेम्परेचर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास प्योर अमोनिया है तो यहाँ पर एक टेम्परेचर आ गया जिस पर इसकी फेस चेंज रहेगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से पूरा डायग्राम बनाकर लेबलिंग करके एक्सप्लेन करना होगा।